मैडम जी, आज डब्बा खा लेना। कल आपकी सारी फेवरेट चीजें थी और आपने हाथ तक नहीं लगाया। खा लूंगी, इतनी चिंता मत करो मेरी। चिंता कैसे नहीं होगी आप ऐसे अकेले अकेले। सच में आपकी और आदित्य बाबा की जोड़ी बहुत अच्छी थी, शायद किसी की नजर लग गई। वो आज कितने बड़े डायरेक्टर बन गए। काश आप दोनों फिर से। अब वो आदित्य बाबा नहीं रहे, आदित्य सर बन गए। अब वो हाथ में टिफिन बॉक्स नहीं, ट्रॉफी लेकर घूमते। आदित्य मेरा विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट मूवी फेयर 2015। कुछ भी कहो, इसी टिफिन बॉक्स ने आप दोनों को साथ लाया है। Well, hello everybody. Now, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टिफिन बॉक्स ये लव स्टोरी में क्या कर। Now, अब ये टिफिन बॉक्स एक बेजान सी चीज कैसे लव जैसे इमोशन को हाइटन कर सकता है? Of course कर सकता है, और स्पेशली तब जब एक दूसरे की खुशी एक दूसरे के साथ रहने की खुशी से ज्यादा हो। माइंड इट। और हमारी जो आज की कहानी वो भी कुछ ऐसी है, रियांशी और आदित्य की लव स्टोरी, जहां पे जो लव हीरो है दैट्स अ टिफिन बॉक्स। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिक, को पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट, प्रेजेंटेड बाय वाइल्ड स्टोन। राजीव सर कहाँ मिलेंगे? इसके बाद में क्या? हेलो। ओहो, क्या बात है। नाम क्या? आदित्य मैं। ओ, 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 तो आप भी हैं हमारे लास्ट लेडी। अरे क्या बात है, क्या बात है। नाइस मीटिंग। देखो बच्चा स्कूल जा रहा है। वाह बाबू, टिफिन बॉक्स लेकर आया है, डब्बा लेकर आया है। वाओ, ओले ओले ओले, मम्मी ने बनाया डब्बा। डब्बा ठीक है। अरे वो तो डब्बा का तो क्या है, चलता रहता है। वैसे एक बात बता, ये तू यहाँ करने क्या आया है? मतलब तू करेगा क्या एडी बनकर? तो अभी तो बस स्टार्ट किया है, पर मैं इंडिया का बेस्ट फिल्म मेकर बन के दिखाऊंगा। किसको किसको दिखाएगा तू? सर, सारे वर्ल्ड को सर, मूवी फेयर जीत के दिखाऊंगा। ए हलवाई, क्या हाँ ऐसे ही जीत जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ मुश्किल है, बट मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए तो रियांशी जी की फिल्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, एज इन एडी ओनली, बट आई विल डू इट। क्या रियांशी जी? तो एडी बनने आए यहाँ पर, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो राजीव सर हैं, तुम्हारी रियांशी जी नहीं। ए बताऊं क्या राजीव सर को? हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैं क्या ना एक्साइटेड हूँ रियांशी जी के साथ काम करने के। मतलब इतनी बड़ी स्टार है फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ। तो बस अब ऐसे स्टार तो कम ही होते ना। कम नहीं होते, होते ही नहीं है। हाँ, और मिस्टर एडी यार, ये स्टार्स ना सातवें आसमान सेवेंथ क्लाउड पर होते हैं यार, डाउन टू अर्थ नहीं होते, समझा? अबे अभी अभी अंडे से फूट कर आया, और तेरे को ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्री में जैसे लोग दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। अरे छोड़ ना यार दीपक, नया है, एक बार इसे रियांशी जी के सामने जाने दे, अपने आप दिमाग हॉलीवुड ट्रैक पर आ ही जाएगा। और सुन, रियांशी जी कोई डाउन टू अर्थ नहीं है, वो सिर्फ एक चीज को अपने नीचे रखती है, पता है क्या? सैंडल के नीचे हील्स को, और उसके नीचे वे काम करते हैं वर्कर्स को। हे हट जाओ, जाओ मैडम आ रही है। कितनी बार कहा है तुम्हें हाथ पीछे रखकर दरवाजा खोला करो, कितनी बार समझाना पड़ेगा? मेरा रूम क्लीन है। हाँ मैडम। गुड। और मेरा जूस, वाटरमेलन रेडी है? ऑरेंज जूस रेडी है? वेरी गुड। तुझे पता है
अरे सेट पे ना रियांशी जी को प्यार से रियांशी जी नहीं बुलाते हैं, उसे चुड़ैल बुलाते हैं, चुड़ैल ना, वो खुश है ना तो सब सेट है बॉस, नहीं तो ना वो डंक मारती है डंक। अरे दिखाई नहीं देता तुम्हें, रास्ता क्यों ब्लॉक किया मेरा, लग जाता तो कभी टाइम पर ही नहीं आती यार वो, मतलब सुबह 9 बजे कॉल टाइम पे ना, लंच टाइम पे भी पहुंचना उनका इम्पॉसिबल होता है। ओ क्रैप, लंच टाइम हो गया क्या? बच गए आज यार, नहीं तो चुड़ैल के हाथों कत्लेआम हो जाता। चलो सब काम पे लगो, एडी जाके कॉस्ट्यूम दार के पास जाके बोल कि सब तैयार रखे। चल। हाय रियांशी, वो तुम्हारी असिस्टेंट ने कहा कुछ प्रॉब्लम है, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? मैं बस ये शॉट डिस्कस करने आने ही वाला था। बाहर में क्या तुम्हारा शॉट, तुम्हें बस तुम्हारे शूट की पड़ी है या मुझे भूख लग रही है? हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू शूट, लंच के नाम पर यू गिविंग मी ट्रैश, कैसे डायलॉग डिलीवर करूंगी? बी रीजनेबल। देखो रियांश, मैं डायरेक्टर हूं और ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही हो? बिकॉज डायरेक्टर हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर आर्टिस्ट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डिलीवर द डायलॉग राजीव? आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, वो आज केटरर्स का प्रॉब्लम हुआ होगा, आई विल चेक इट आउट। प्लीज मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है राजीव, जस्ट गो। देखो मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, प्लीज गो राजीव। तमाशा चल रहा है इधर, हाँ? प्रोडक्शन है बंद। चलो चलो जल्दी। यहाँ पर एक्टर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। मेरी एंटी डिप्रेसिव पिल्स, बिना खाना खाए मैं पिल्स कैसे लूंगी? बहुत दादा, बहुत दादा, बहुत दादा, कैसे लोग हैं यार, दोबारा पूछे भी नहीं आए कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। तूने वो फर्नीचर वाला काम कर लिया था? हाँ वो मैंने मंगवा लिया, वाद है। दीपक सर, फ्लास्क का फ्लास्क? हाँ वो मंगवा। दीपक सर आपने मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ रखा था? क्यों, मम्मी की याद आ रही है? प्लीज सर खाने के साथ मत। I'm sorry सर, सर प्लीज बताइए ना। तू ढूंढता रहे, चल चल लगा रहे, चल चल ढूंढता रहे, अरे तू लगा रहे जा ढूंढ। सुनिए जरा यार, तूने इसका टिफिन बॉक्स रखा कहाँ है वैसे? मुझे नहीं पता, मैंने इसको दिया था। कहाँ है भाई? कहाँ रखा है? लास्ट मैंने रियांशी के रूम के बाहर रखा। ओ क्रैप, अब अगर उस चुड़ैल ने देख लिया ना तो इस नए एडी का फर्स्ट डे लास्ट डे हो जाएगा। क्या, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं? दादा आपने मेरा टिफिन बॉक्स देखा क्या? एक टिफिन इतना सा था, नहीं देखा। देखो ना उधर, उधर रखा होगा। किधर? वो उस रूम में। आपने सारा लंच मिस कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना पूछे किसी का भी टिफिन खा लेते, एटलीस्ट पूछा तो होता कि ये टिफिन बॉक्स किसका है। आपको पता है मुझे ना वर्ल्ड के आधे फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो मैं क्या खाऊंगा खाना?
पूरा दिन मुझे भूखा स्पेंड करना पड़ेगा। फ्रेम कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेटिंग दादा, ये डाइनिंग टेबल को थोड़ा राइट करिए, रिप्लेस एडजस्ट करिए। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रहा है? जानो तो ठीक है चल। पीछे फ्रेम देखो, टेढ़ी है। ओके डन। दीपक, रियांशी मैडम को बोलो शॉट रेडी है। आप बस सर, रियांशी मैडम तो हाय गाइस, आई एम रेडी, लेट्स रोल। अरे जल्दी करो सब लोग, चलो बैक ऑफ एवरीवन। व्हाट्स हैपनिंग? आरंट यू गाइस रेडी? आज तो चुड़ैल बहुत खुश हो रही है लगता है। अबे सौ सौ की शर्त लगा ले, पांच मिनट में ना, पांच मिनट से खुश से नाखुश हो जाएगी चुड़ैल। लगा लगा। हाँ हाँ चल चल लगेशन। हाँ चल चल जाने दे। Come on everyone now clear। चलो सेटिंग दादा जल्दी करो। Gear off everybody fast। लास्ट एडी कौन है? Come here। Fast everyone। Yanchi ji ready? Ready। Okay rolling sound। Camera। Din tadi man, take one। Action। सॉरी राजीव, अभी मेरा मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद शॉट लेते हैं। निकल निकल, सौ रुपए निकल। बोला था ना ये चुड़ैल अभी खुश हो ही नहीं सकती। तो ये मेरी है, इतना अल्लाह करने के बाद इतनी आसानी से तो शॉट देने से रही मैडम। राजीव वो तुम्हारा लास्ट एडी है ना, उसे जरा मेकअप रूम में भेजना। यहाँ पे लास्ट एडी कौन है? जाओ मेकअप रूम में। जाना। Come in। आपने बुलाया मुझे? Come in। I'm sorry। I'm really very sorry। Sorry तुम्हारा टिफिन बॉक्स लेने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम भूखे रह जाओगे। मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी, और सच कहूँ आज अगर घर का खाना नहीं होता तो शायद मैं खाली पेट ही रहती। थैंक यू सो मच इतने अच्छे लंच के लिए। नहीं 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 प्लीज, इवन आई एम सॉरी एक्चुअली, वो पता नहीं मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे ना बाहर के खाने से फूड एलर्जीज है, इसलिए ये डब्बा लेकर आता हूँ। बट आई एम ग्लैड कि आपने मेरा लंच एंजॉय किया। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा। ये लो कुछ खा लो। मैम वो मुझे तो बाहर बहुत काम है तो मैं ये नहीं खा सकता, बाहर जाना होगा मुझे। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैक कर देती हूँ। ओके ये चुड़ैल तो नहीं? व्हाट? नहीं मैम कुछ नहीं मैम। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आई जस्ट डोंट केयर। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें भूख लगी हो, ये लो। थैंक्स अ लॉट मैम। hmm.
मैडम लंच। प्रिया रहने दो, तुम लोग खाना खा के आओ, आधे घंटे में आ जाना शॉट के लिए रेडी होना। ओके ओके मैम। हमारी कहानी का जो ये लव हीरो, दैट्स द टिफिन बॉक्स, ये कहीं ना कहीं रियांशी और आदित्य को एक दूसरे के करीब लेकर आ टिफिन बॉक्स की वजह से ही सही, दे बोथ वर गेटिंग कनेक्टेड एंड दैट्स हाउ लव हैपेंस। दादा संभाल के यार, क्या कर रहे हो, अभी लग जाती तो। राजी तुम्हारा लास्ट एडी का तुम मेकअप रूम में आ जाओ, आज से हम लंच साथ में करेंगे। ओके सी यू। आओ बैठो। प्रिया तुम भी जाओ कुछ खा लो। क्या हुआ, ऑकवर्ड लग रहा है यहां मेरे साथ मेकअप रूम में बैठकर खाना खाना? या तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? देखो यहाँ ना इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग मिले तो तुम्हारे पीठ पीछे तो बहुत बातें करेंगे, लेकिन सामने बात करने वाले बहुत कम। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किसका साथ देना है और किसके साथ रहना है। अब ये तुम्हारे घर का खाना है तो तुम ही स्टार्ट करो। Actually, वो लास्ट शॉट अच्छा था। नाइस वर्किंग प्रैक्टिस। यस ऑफ कोर्स, थैंक्स अ लॉट। आई मीन लास्ट सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
लेकिन राजीव ने जब नेक्सीन की ब्रीफिंग दी तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। आई मीन एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से प्यार करती है, और जब वो अपनी सिस्टर से कन्फेस कर रही है कि अगर वो लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देती है तो लड़की की जान खतरे में हो सकती है, मेरे लिए ये एक सैड सीन है, और राजीव चाहता है कि मैं इस सीन को एक स्माइल के साथ करूं। आई मीन हाउ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। इट्स रियली डिफिकल्ट। एक्चुअली ना राजीव सर का टेक इंटरेस्टिंग है। क्या आई मीन हीरोइन सैड है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, बट एट द सेम टाइम अगर वो ऐसा करती है तो उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। You know what, आदित्य? तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम सिर्फ 18 साल के हो। हाँ तो नहीं हूँ। I mean, at least mentally तो बिल्कुल भी नहीं। You know, मेरे दोस्त क्या कहते हैं मुझे? कि मैं ना पैदा होते ही बुड्ढा हो गया। इस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है आदित्य। यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। पहले मैं सभी लोगों के साथ इक्वली इमोशनल हो जाती थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तेवर ये एटीट्यूड रखना पड़ता है। लोग डरते हैं, घबराते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। पर ये जरूरत ही क्या? जरूरत है आदित्य। यहाँ पर बहुत से लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं। अपने आप को कमजोर दिखाने से अच्छा इतना स्ट्रांग दिखाओ कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। लोगों को टॉलरेट करना या इग्नोर करना दोनों ही हमारे हाथ में है। यस, यू आर राइट। हम इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं चाहिए। यू नो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, दोनों में ही अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। वो पता है यू नो यंग वाली फिलॉसफी, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी तो होंगे। अच्छा रियली? तो कोई एक नाम बताओ जो अच्छा है ना।
हाँ कॉस्ट्यूम आदित्य दो कॉस्ट्यूम यस सर इधर आओ यस सर ये नेक्स्ट सीन्स के कुछ डायलॉग है रियांशी मैडम को दे देना और उन्हें बोलना कि ध्यान से एक बार रीड कर ले मैंने कुछ चेंजेस किए हो ठीक है सर ओके सुनो आदित्य जी सर एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी कहीं ना इधर आओ देखो आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे टॉपिक में इंटरफियर कर रहा हूँ ये मुझे कहनी चाहिए या नहीं बट आई शुड वॉर्न यू देखो प्रियांशी जैसी एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक टॉय बॉय की ज़रूरत होती है हर एक सेट पर फिल्म ख़त्म हुई तो रिलेशनशिप भी एंड हो जाती है सर सर आप क्या कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ आदित्य कि करीबन तुम 18 साल के होंगे यू आर यंग राइट एंड वो मे बी 30 साल की तुम्हारा करियर अभी स्टार्ट हुआ है और उसका करियर का आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले क्यों खत्म करना चाहते हो तुम देखो आदित्य मैं देख रहा हूँ कि रियांशी के साइड तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत पॉजिटिव है लेकिन तुम यंग हो टैलेंटेड तो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करके क्यों वेस्ट करना चाहते थिंक अबाउट रियांश मैडम अंदर है क्या वो तो चली गई गुस्से में अपने रूम में आई अपना बैग उठाया और चली गई चली गई हाँ क्या बोल रही हूँ प्लीज आप जल्दी रियांशी मैडम के घर आ जाइए प्लीज वरना वो अपने आप को कुछ कर देगी पता नहीं उन्होंने आपके और राजीव सर के बीच में क्या बात सुन ली वो बहुत गुस्से में उन्होंने सब सामान तोड़ दिया है आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज हाँ ठीक है मैं आता हूँ ठीक रियांशी रियांशी प्लीज स्टॉप एक सेकंड रियांशी मेरी बात सुनो रियांशी प्लीज स्टॉप दिस क्या पागल क्या हाल बना क्या हुआ हाँ रे हाँ प्लीज एक सेकंड रियांशी रियांशी जस्ट डोंट क्रिएट जस्ट सिट डाउन क्या हो गया रियांशी ये देखो खून भी आ रहा है तुम्हें रियांशी ये देखो खून भी आ रहा है तुम्हें ये तुमने क्या हो गया रियांशी लुक एट मी रियांशी प्लीज लुक एट क्या हुआ हाँ प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी देन रियांशी प्लीज टेल मी क्या हुआ प्लीज कुछ बता अच्छा ठीक है मत बताओ बस अब तुमने जो ये तोड़ फोड़ की है तो तुमने बहुत मेहनत की होगी भूख भी लग रही होगी हाँ भूख लग रही है ना हाँ लेट्स सी जस्ट चलो सी वही तुम्हारा फेवरेट डब्बा मैं लेकर आया साथ में मेरे घर का खाना रियांशी प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग प्लीज मेरी बात सुनो रियांशी तुम्हें पता है हमारी लाइफ भी ना चार हिस्सों में बटी हुई इस डब्बे की तरह बिल्कुल इस डब्बे की तरह पहले हिस्से में ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें डिस्टर्ब कर जाता है मतलब
मुंह में कड़वा टेस्ट सा छोड़ गया, जैसे सैलेड में रखे इस अनियन की तरह, है ना? फिर दूसरा हिस्सा उस सिचुएशन की तरफ हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, जैसे कि ये रोटी खा तो लेंगे पर सूखी लगी है ना, फिर जब हम पूरी तरह काम डाउन हो जाते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि हम तो इस सिचुएशन पर यूं ही रिएक्ट करें, शायद इस सिचुएशन का आउटकम शायद कड़वा नहीं मीठा हो, खाने का बेस्ट पार्ट और हर सिचुएशन का भी। इस सिचुएशन में स्वीट होना इस क्या है आदित्य? लव, पहले हिस्से में आपको कोई अच्छा लगने लगता, प्यार होने लगता आपको, फिर दूसरे हिस्से में लोग कहते हैं कि आपका प्यार गलत है, तीसरे में आपको पता चलता है कि चाहे लोग कितना भी खींचे पर आप अपने प्यार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, फिर चौथा हिस्सा ये गुलाब जामुन वाला हिस्सा, या आप जान जाते हो कि आपको चाहे सारी दुनिया के ना रोके पर आपके लिए सिर्फ आपका प्यार मैटर करता और कुछ नहीं, और मैं अपने जिंदगी के चौथे हिस्से में जहां पे मेरे लिए सिर्फ आप मैटर करते हो और कुछ नहीं। प्लीज मेरे लिए प्लीज, मॉर्निंग आदित्य। तुम ये क्या कर रही हो? मैं टिफिन बॉक्स को समेट रही हूँ और शायद अपने लाइफ के पजल को भी। मतलब कि अगर ये टिफिन बॉक्स मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं अपने लाइफ को इतनी क्लैरिटी से नहीं समझ पाती जितनी आज समझ पा रही। आदित्य, I'm 28 years old और तुम्हारे एज में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और काम करते करते मैं बहुत आगे निकल गई। जैसे इस टिफिन बॉक्स में चार हिस्से हैं, वैसे मैं अपने लाइफ में मेरी लाइफ चौथे हिस्से में, और तुमने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ये सेकेंड और थर्ड हिस्से का भी सपोर्ट तुम्हारे लाइफ में नहीं रहे, और तुम गिर जाओगे। ज्ञानशी गिर जाऊंगा तो मैं गिरकर फिर संभल जाऊंगा। नहीं आदित्य, इट्स नॉट दैट इजी। लोग गलत समझेंगे, लोग समझेंगे कि तुमने ये इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए ये शॉर्टकट यूज किया है, और मैं नहीं चाहती कि वर्ल्ड तुम्हारे टैलेंट को लाइटली ले, इसीलिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए
हमें हमारे प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना होगा आदित्य। मतलब? मतलब आज के बाद हम ये टिफिन बॉक्स शेयर नहीं कर सकते। Have to let me go out. Please, अभी इसी वक्त या तो तुम ED position से resign कर दो या मैं ये film छोड़ देती हूँ। It's about your future, Adi. और मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें या हमारे रिश्ते को गलत समझें। Please, it's about your future, Adi. So you have to go. तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत। इतना कि आज तक किसी से ना किया। I love you too, Ryan. I love you too. प्लीज आदित्य, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें जाना होगा। एक बार मेरी बात सुनो। प्लीज गो आदित्य। प्लीज प्लीज गो। प्लीज गो आदित्य। अंदर आओ ना। तुम्हारे लिए आज दो गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट? एक तो ये ट्रॉफी, बेस्ट डायरेक्टर की, जो मुझसे ज्यादा तुम डिजर्व करती हो। मैं? It's true, Rianchi. अगर तुम मुझे उस दिन जाने को नहीं कहती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तुम जाती तो selfishly मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हारे लिए आज एक और गिफ्ट है। क्या? मेरी नेक्स्ट फिल्म प्रिंसेस का लीड। आदित्य, लेकिन फेवर नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि वो रोल तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। कोई और आदित्य, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं रियांशी, बॉक्स ऑफिस का तो पता नहीं, लेकिन ये फिल्म लोगों के दिलों पे छाप छोड़ जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे 10 साल पहले तुमने मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। You have that quality. But it's so beautiful कि कैसे एक टिफिन बॉक्स ने इन दोनों की लव स्टोरी को कंप्लीट किया। और अगर अपन देखें तो शायद कहीं ना कहीं इनकी पहली मुलाकात भी इस टिफिन बॉक्स की वजह से हुई थी, wasn't it? और अब ये टिफिन बॉक्स ही है जो रियांशी को वो ताकत दे रहा है, वो स्ट्रेंथ दे रहा है कि आदित्य से 10 साल दूर रहने के बाद भी she's still in love, isn't it? Fine.
Riyanshi और Aditya की love story तो complete हो गई. And of course, thanks to our love hero, the Tiffin Box. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story to make you fall in love with us one more time. Till then, keep falling in love, guys.